नमस्कार, आप देख रहे हैं द फुलझड़ी का कल आजकल कार्यक्रम और आइए अब नजर डाल लेते हैं अब तक की बड़ी सुर्खियों पर। टाइगर श्रॉफ ने शुरू की हीरोपंती 2 की डबे, उन्नाव में नोटा ने पार किया 10,000 का आंकड़ा, 10,935 मतदाताओं का एक भी प्रत्याशी नहीं जीत सके दिल। हमें पिंक बॉल से गेंदबाजी, फील्डिंग और बैटिंग की आदत नहीं, रणनीति पर बुमराह का खुलासा। वर्ल्ड चैंपियनशिप एशियन गेम्स से हटी मैरी कॉम, कॉमनवेल्थ गेम्स पर फोकस। चुनाव आयोग को MCD चुनाव रद्द करने के लिए मजबूर करना उसकी भूमिका को कमजोर करता है, अरविंद केजरीवाल ने PM से हाथ जोड़कर अपील की। UP में महज एक सीट पर सिमट कर रह गई 1,18,00,000 वोट पाने वाली BSP पंजाब में 25 साल बाद खोला खाता। अमित शाह ने केंद्रीय एजेंसियों को प्रभावी पुलिसिंग के लिए अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम से जुड़ने का सुझाव दिया। यूपी चुनाव दिल छोटा ना करें, अखिलेश EVM मशीन का हो फॉरेंसिक टेस्ट, ममता बनर्जी ने कहा। केरल के मंत्री ने यूक्रेन से लौटे छात्रों की पढ़ाई जारी रखने के लिए केंद्र की मदद मांगी, अंतर सरकारी संवाद का सुझाव दिया। मैं जनादेश स्वीकार करता हूं, चन्नी ने राज्यपाल पुरोहित को सौंपा इस्तीफा। भगवंत मान ने दिल्ली में अरविंद केजरीवाल से की मुलाकात। यूपी विधानसभा चुनाव में BJP की जीत में BSP AIMIM का योगदान, संजय राउत ने कहा। नवजोत सिंह सिद्धू ने दिखाया चुनाव के बाद का जोश, कहा उनका लक्ष्य पंजाब का विकास। योगी आदित्यनाथ 37 साल में पूरा कार्यकाल पूरा करने के बाद सत्ता बरकरार रखने वाले यूपी के पहले CM बने। BJP के अरविंद मेनन ने यूपी चुनाव में अपनी पार्टी की जीत के बाद सपा को संपूर्ण पार्टी बताया। चारा घोटाला मामला, झारखंड हाईकोर्ट ने लालू की जमानत याचिका पर सुनवाई 1 अप्रैल तक टाली। यूपी में सीटों और वोट शेयर में भारी बढ़ोतरी के बाद अखिलेश ने लोगों का शुक्रिया अदा किया। मुरादाबाद की 6 सीटों में से 5 पर सपा का कब्जा, BJP को मिली सिर्फ 1 विधानसभा पर जीत। राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के पास उपलब्ध 16,70,000 से अधिक अप्रयुक्त COVID-19 वैक्सीन खुराक, केंद्र ने कहा। युद्ध शुरू होने के बाद से नष्ट हुए 353 रूसी टैंक, यूक्रेन विदेश मंत्रालय ने कहा। UN का कहना है कि यूक्रेन से पलायन करने वाले शरणार्थियों की संख्या 25 लाख तक पहुंच गई है। जम्मू कश्मीर के गुरेज सेक्टर में भारतीय सेना का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त, 1 पायलट की मौत, दूसरा घायल। व्लादिमीर पुतिन की बेलारूस के राष्ट्रपति संग अहम बातचीत, यूक्रेन संघ युद्ध पर मंथन। रूस संघ युद्ध के बीच नाटो का यूक्रेन में अपने सैनिक या प्लेन भेजने से इनकार, अमेरिकी सीनेट ने यूक्रेन की सहायता में 13.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ वित्त पोषण विधेयक पारित किया। यूक्रेन से निकाले गए असम के छात्रों को दिल्ली के असम हाउस में रखा जाएगा। यूक्रेन में बच्चों के अस्पताल पर कोई हवाई हमला नहीं किया, रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र से मरकज परिसर में मस्जिद खोलने पर स्पष्ट निर्देश देने को कहा। गुजरात दौरे पर PM मोदी पंचायत महासम्मेलन में बोले, यह बापू और सरदार पटेल की धरती। जम्मू कश्मीर के पुछू के युवाओं के लिए सेना प्रायोजित कंप्यूटर कोर्स, BSF ने भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास हथियारों का जखीरा पकड़ा। यूक्रेन के डिनिप्रो में रूसी सेना ने किए 3 हवाई हमले, गोलाबारी में 1 व्यक्ति की मौत। दिल्ली MCD चुनाव टालने पर केंद्र सरकार पर भड़के अरविंद केजरीवाल। गोरखपुर में CM योगी के सामने नहीं टिक सके भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर, 7,553 वोटों के साथ जमानत जब्त। दिल्ली हाईकोर्ट ने देशद्रोह UAPA के तहत आरोप तय करने के खिलाफ शर्जील इमाम की अपील पर नोटिस जारी किया। पंजाब फतह के बाद दिल्ली पहुंचे भगवंत मान, अरविंद केजरीवाल के पैर छूकर लिया आशीर्वाद। चुनाव परिणाम के 1 दिन बाद गोवा कैबिनेट, CM ने विधानसभा भंग करने के लिए बैठक की। रेप पीड़िता की मां को राजनीति में नहीं मिली सहानुभूति, उन्नाव से चुनाव हारी आशा सिंह। चुनाव में हार के बाद आया सिद्धू का पहला रिएक्शन, कहा आपने पंजाब के हक में किया कुछ गलत तो उठाऊंगा आवाज। अमेरिका में मरे हुए 20 हिरनों के स्वैप टेस्ट में पाया गया कोरोना संक्रमण। यूक्रेन में जैविक हथियारों के इस्तेमाल के रूसी चीनी दावों को अमेरिका ने किया खारिज। पंजाब के फिरोजपुर में BSF ने भारी मात्रा में हथियार बरामद किए। महाराष्ट्र में CNG PNG सस्ता, वित्त मंत्री अजीत पवार ने पेश किया बजट। कच्चे तेल में ऐतिहासिक तेजी के बीच अनिल अग्रवाल खेलेंगे 30,000 करोड़ का दाव। उतार चढ़ाव के बाद सीमित बढ़त के साथ बाजार बंद, लगातार 4th दिन हरे निशान में रहे इंडेक्स। CBSE टर्म 2nd बोर्ड की 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 26 अप्रैल से होंगी। सऊदी अरब में तेल शोधन संयंत्र पर ड्रोन से हमला, लगी मामूली आग, ऊर्जा मंत्रालय ने दी जानकारी। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान का राकेश टिकैत को जवाब, बोले कोको को हाउ खा गया।
कांग्रेस का हस्तिनापुर सीट पर दाव हुआ फ्लॉप, नहीं चला बिकनी गर्ल का जादू। जीत के बाद भाजपा उम्मीदवार के समर्थकों ने शहर में घुमाए बुलडोजर। सरिता भदौरिया बोली, इस बार और मेहनत करूंगी। पॉइस ने भारत में लॉन्च किए 2 इलेक्ट्रिक स्कूटर, सिंगल चार्ज में देगी 110 किलोमीटर की रेंज। सुजुकी अगले 3 सालों में पेश करेगी 9 नई इलेक्ट्रिक SUV, भारत समेत ग्लोबल मार्केट में करेगी एक्सपोर्ट। भारत में जल्द लॉन्च हो सकती है हुंडई की नई EV आइनोरपिक 5। भारत में लॉन्च हुई BMW फेस लिफ्टेड X4 SUV। जल निगम भर्ती घोटाले में आजम खान को मिली जमानत। पंजाब हार पर बोले सिद्धू, जैसा बीज बोओगे वैसा फल पाओगे। पंजाब में हार के बाद कांग्रेस में अंत करला। 3 पूर्व कैबिनेट मंत्रियों ने सिद्धू को बताया बेलगाम घोड़ा। टाइगर रिजर्व के कर्मचारियों को नहीं मिलेगा वेतन, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार। 16 मार्च को पंजाब के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे भगवंत मान। चुनाव नतीजों के बाद पहली बार बोली मायावती, उम्मीद के विपरीत आए नतीजे, हमें टूटना नहीं आगे बढ़ना है। अक्षय कुमार का कहना है कि वह अपनी सफलता का श्रेय मार्शल आर्ट को देते हैं। सपा की हार से आहत होकर युवक ने खाया जहर, रिजल्ट से पहले युवक ने वीडियो किया था वायरल। YouTube ने रूस में सभी सुविधाओं को किया बंद। Amazon ने रूस में उत्पाद शिपमेंट को रोक दिया, प्राइम वीडियो एक्सेस को निलंबित कर दिया। भारत कनाडा के बीच व्यापार और निवेश पर 5वीं मंत्री स्तरीय वार्ता। ऑपरेशन गंगा, यूक्रेन के सूमी में फंसे 242 भारतीय दिल्ली पहुंचे। भारत की ऑटोमोबाइल थोक बिक्री फरवरी में 23.4% घटी। यूक्रेन के शहरों से 2 दिन में करीब 1,00,000 लोगों को सुरक्षित निकाला गया, वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा। फेसबुक ने यूक्रेन पर हमले को लेकर पुतिन के खिलाफ पोस्ट करने की अनुमति दी। असम के काजीरंगा पार्क में हाथी की करंट लगने से मौत। और आइए अब जान लेते हैं क्या है 12 मार्च का इतिहास। सबसे पहले बात कर लेते हैं सन 1913 की, जिसमें बंबई राज्य के विभाजन के बाद महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री और देश के 5वें उप प्रधानमंत्री यशवंत राव चव्हाण का जन्म हुआ था। 1922 में महात्मा गांधी को यूरोप के बने सामान को खरीदने और ब्रिटिश शासन की मशीनों के साथ काम करने के खिलाफ चलाए जा रहे आंदोलन के लिए अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया था। सन 1993 को मुंबई में 13 बम धमाके हुए थे, जिसमें 257 लोग मारे गए थे और 800 लोग घायल हो गए थे। दुनिया की सबसे खतरनाक परमाणु आपदाओं में से एक जापान के फुकुशिमा में 12 मार्च को ही हुई थी। तो ये थी अब तक की बड़ी खबरें। आगे खबरों के लिए बने रहिए द फुलझड़ी के साथ, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।